साथियों 21 अगस्त को भारत बंद होकर रहेगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जो कि बहुजनों की बड़ी नेता है, जिन्होंने नेतृत्व किया है 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन किया है, और उन्होंने समाज से अपील की है कि शांति पूर्वक संविधान के दायरे में रहकर ही भारत बंद में अपनी भूमिका निभाए, और हाथ में नीला झंडा लेकर जिसके ऊपर हाथी का निशान हो उसको लेकर सड़कों पर निकले, किसी भी प्रकार से किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं तोड़फोड़ ना करे, क्योंकि मनुवादी षड्यंत्रकारी होते हैं, कहीं वह 2 अप्रैल की तरह कोई इस बड़ा षड्यंत्र ना कर दे, समाज के लोगों को कोई बड़ी क्षति ना हो सके, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत बंद होकर रहेगा। 2 अप्रैल की तरह और 2 अप्रैल से भी बड़ा ये भारत बंद अपना रूप ले सकता है, क्योंकि समाज के अंदर एक बहुत भारी आक्रोश है, और समाज के अंदर एक इंतजार था कि कोई बड़ा नेता 21 अगस्त का समर्थन करे तो एक बड़ा बदलाव हो, और ऐसा हो चुका है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुलकर सामने आ गई है, और मायावती जी के भतीजे यानी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 अगस्त का समर्थन किया है, और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे संगठन है और बड़े संगठन है सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसमें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन किया है, और जब से यह खबर सामने आई तभी से बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता और तमाम पदाधिकारी और तमाम समर्थकों में एक जोश की उमंग दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें कि 21 अगस्त को बहुजन समाज के संगठनों ने आह्वान किया था कि भारत बंद किया जाएगा, और उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि भारत बंद 21 अगस्त को शायद सफल ना हो सके, और लोगों की उम्मीद थी कि कोई बड़े दल का नेता यदि समर्थन करे तो शायद 21 अगस्त को भारत बंद सक्सेस हो सकेगा। और वहीं बहुजन समाज पार्टी जो शुरू से ही SC ST आरक्षण का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तभी से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी इसके खिलाफ है। और वहीं हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे, उन्होंने रात में यानी कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं सभी सड़कों पर आए और 21 अगस्त को भारत बंद को सफल बनाए, और हाथ में डंडा व झंडा लेकर सड़कों पर निकले, झंडे पर हाथी का निशान हो और 21 अगस्त को भारत बंद को सफल बनाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने भी यह कहा, समाज से अपील की कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, भारत बंद में अपनी भूमिका निभाए और हाथ में झंडा लेकर सड़कों पर निकले। और वहीं रामजी गौतम ने भी आह्वान किया है, यानी बहुजन समाज पार्टी में जब से यह मायावती जी की तरफ से समर्थन का फैसला आया है तभी से बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में एक जोश की उमंग दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी 21 अगस्त भारत बंद को लेकर काफ़ी एक्टिव है, और वहीं जब से यह मायावती जी ने समर्थन किया तभी से उत्तर प्रदेश व तमाम राज्यों में पुलिस अलर्ट हो गई, लग रहा है कि कहीं 2 अप्रैल की तरह यह कोई बड़ा रूप ना ले ले, सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया है। वहीं हम आपको सुनाते हैं कि आकाश आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात रखी, सुनिए। जी वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है जी SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर है। हाँ जी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं हरियाणा में अभी जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताता आया हूँ, और यहाँ पे भी आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा कि ये जो सब कास्ट कैटेगराइजेशन का जो मुद्दा है जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया,
जिसमें उन्होंने ये पावर राज्य सरकार को दे दी कि भाई जिस जाति को वो रिजर्वेशन को एससी एसटी जाति को रिजर्वेशन देना चाहे वो दे सकती है और जिसको हटाना चाहे हटा सकती है। इसमें और भी कई जजमेंट पास हुए हैं, इस जजमेंट के तहत बहुत सारे रूल्स पास किए गए हैं, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है वो हमारे जितने भी एससी एसटी समाज में से जातियाँ हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा देना और छीनने का है। ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे एससी समाज को और एसटी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्वेशन का हक जो है किसी भी एससी या एसटी जाति से छीन सके और दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति जी को है और पार्लियामेंट को है। उसका रीज़न बाबा साहब ने इसलिए रखा था ताकि कोई भी ऐरा गहरा नथू गहरा आके इस रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है इससे राज्य सरकारें जो हैं इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगी, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। इसके खिलाफ हम सब थे हैं और आगे रहेंगे जब तक इसको सिक्योर और उसको चेंज नहीं किया जाएगा। 21 तारीख को भारत बंद है जी, बहुजन समाज पार्टी का उस पर समर्थन है या विरोध में है? देखिए अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। पर आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़फोड़ किए बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें सदस्य हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे और वापस आएंगे। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो या किसी पब्लिक को परेशानी हो। हम यहाँ पे बाबा साहब के संविधान को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मानते हैं, अपने तौर तरीके से इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे। आकाश जी एक सवाल और है कि आरक्षण में जो 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है जी, उसमें वाल्मीकि समाज ने ये कहा है कि अगर भारत बंद अगर करते हो तो हम लाठी लेकर के उनके उनको मारने का काम करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? समर्थन नहीं दिया उन्होंने, देखिए भारत बंद, देखिए ये पहली निशानी है, ये पहला एविडेंस है कि जब आप इस ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी करते हैं तो कैसे ये समाज आपस में ही लड़ता झगड़ता है। हमें इसी चीज़ का डर था और ये आप लोगों के सामने है, ये सबसे पहले वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो इसके एकदम पक्ष में हैं, वो इसके खिलाफ नहीं है। पर कुछ गलत लोग हैं जो उस समाज का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब हम अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बहनों से और बड़े से बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ पे आप ऐसी प्रतिक्रिया ना करें। पार्टी के साथ सब खड़े हैं, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ खड़े हों। समाज को उम्मीद थी, समाज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कोई बड़ा नेता नेतृत्व करे, कोई बड़ा नेता समर्थन करे 21 अगस्त भारत बंद का, और वह हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी, जो कि बहुजनों की एक बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने समर्थन किया है, तो एक बहुत बड़ा आपको 21 अगस्त को तस्वीरें देखने को मिलेगी, यानी सड़कें नीली नीली दिखाई देगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और जब से मायावती जी ने समर्थन किया तभी से सोशल मीडिया व तमाम बड़े चैनल अलर्ट हो गए, बहुजन समाज पार्टी की खबरें दिखाने लगे हैं। आकाश आनंद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बातें रखी और समाज से अपील की कि शांतिपूर्वक भारत बंद किया जाए। सड़कों पर नीला झंडा यानी हाथी के निशान का झंडा लेकर निकले और इस भारत बंद में अपनी भूमिका निभाए, ऐसा आकाश आनंद की तरफ से कहा गया है। और वहीं बसपा के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी ट्वीट किया है और समाज से अपील की है कि शांतिपूर्वक भारत बंद में अपनी भूमिका निभाए। वहीं रामजी गौतम बसपा के राज्यसभा सांसद ने भी अपील की है। वहीं हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को देखकर इसको सुनकर समाज के अंदर एक नई दिशा निर्देश
शुरू हो गया है। समाज के अंदर एक नई चहल पहल दिखाई दे रही है, यानी बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं सब इससे पीछे हट रहे हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुलकर सामने आई और उन्होंने जो बात रखी, जो 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन किया, सभी छोटे छोटे जितने भी संगठन हैं सभी में खुशी की लहर दौड़ रही है और समाज के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। सड़कों पर शांतिपूर्वक भारत बंद की अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो, कहीं भी तोड़फोड़ ना हो, ऐसी अपील की गई है। अब देखना होगा कि 21 अगस्त को भारत बंद कितना कारगर साबित होता है, कहीं 2 अप्रैल की तरह इसमें कोई हिंसा ना दिखाई दे, कहीं यह बड़ा रूप ना दिखाई दे और कहीं इसके अंदर मनुवादी अपना षड्यंत्र, जो कि सदियों से षड्यंत्र रचते रहे हैं, कहीं ऐसा षड्यंत्र ना रच दे कि समाज को क्षति हो। यानी सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और भारत बंद यानी कि भारी मात्रा में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक बड़ी नेता है और उन्होंने जो समर्थन दिया है इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि भारत बंद होकर रहेगा। अब देखना होगा कि किस तरह से भारत बंद होगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में लिखें और देखते रहिए BH News Network। धन्यवाद।